जितने सवाल हम कर पाएंगे इस पे वो सवाल देखेंगे। चलिए पॉइंट नंबर वन कहता है कैलकुलेट पीवी रेशो ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। कहता है सर वेरिएबल कॉस्ट हम दे रहे हैं आपको, कंट्रीब्यूशन आपको दे रहे हैं, तो निकालिए। तो सर पीवीआर का आपका मतलब क्या होता है? आपका कंट्रीब्यूशन किस में? रुपीज में, वेरिएबल कॉस्ट इसमें है। तो पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100 होगा। सर इस फॉर्मूले के हिसाब से कंट्रीब्यूशन तो पता है लेकिन सेल्स नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए सेल्स को हम लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस में कंट्रीब्यूशन, लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रॉफिट से बनता है। तो यहाँ पे सेल्स अगर निकालना हो तो 60 प्लस में 40 हो जाएगा, 60 प्लस में 40 यानी सर सेल्स आ गया 100। अब इजीली निकल जाएगा पीवीआर इज इक्वल टू क्या आएगा सर? पीवीआर आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन दे ही रखा है 40, सेल्स हमने निकाल लिया 100 इंटू में 100, दैट इज 40%। पहले वाले को मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी जरूर किया, एक बार देखिए बताइए कोई डाउट है तो। फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट सर? फोर्थ का 52% होगा, थर्ड का 16% होगा। अच्छा इनका पहले आंसर भी दे दिया इन्होंने, चलिए मैं तो करता जा रहा हूं धीरे धीरे। बताइए कोई डाउट यहां पे? हाँ सारा एक एक करके बताऊंगा। सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड का, सेकंड में कहता है सर सेल्स 20 है और वेरिएबल 15 है, आपको पीवीआर निकालना है। तो अगेन पीवीआर का यही फॉर्मूला लगा लेंगे। पीवीआर का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। कंट्रीब्यूशन आपको नहीं पता है, यहाँ पे सेल्स पता है तो कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? सेल्स माइनस में वीसी करके। सेल्स आपको पता है 20 और माइनस में वेरिएबल 15, तो दैट इज ₹5 कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूले में पुट करें हम इसको तो क्या आएगा? 5/20 इंटू में 100, और इसको अगर काटें तो कितना आ जाएगा हमारा? 25%। तो ये इसका आंसर आ गया, सेकंड का ये रहा आंसर। चलिए पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट का, आपको रेशो वेरिएबल कॉस्ट का देता है 84%। ध्यान दीजिए, आपको अगर रेशो वेरिएबल कॉस्ट का पता हो और 100 में से अगर इस वेरिएबल कॉस्ट के रेशो को माइनस करो तो क्या निकल के आएगा? पीवीआर। तो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं, पीवीआर इज इक्वल टू 100 माइनस में वीसी परसेंटेज। तो क्या आएगा? 100 माइनस 84, तो क्या निकल के आएगा? 16%। तीसरे का हो गया ये आंसर। सर चौथे का देखिए आप, फोर्थ में क्या कहता है? प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है। तो आप सीधी सी बात है, आपको प्रॉफिट पता है, सेल्स पता है और फिक्स कॉस्ट पता है, तो यहां पे आपको फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। वैसे आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू में 100। सबसे पहले कॉन्ट्री निकाला जा सकता है। सर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जा सकता है? याद करिए अभी फॉर्मूला बताया था, अगर मैं इस वाले पार्ट को और मैं इस वाले पार्ट को दोनों को एड ऑन कर दूं तो क्या बनेगा हमारा? कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स सवाल में दे ही रखा है तो इजिली फाइंड किया जा सकता है। तो यानी सर यहाँ पे इन दोनों को मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ, 13,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू में 100। मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज किया है यहाँ, यानी आंसर क्या आएगा सर? ये आंसर आएगा 13,000 25,000 इंटू 100, 52%। 52% 52% क्लियर है। आ जाइए फिफ्थ पार्ट पे। कहता है ये फिफ्थ पार्ट में जो थोड़ा सा अलग सवाल है, क्या कहता है? ईयर वन का सेल्स इतने का है, टोटल कॉस्ट हमारा इतने का है, ईयर टू का सेल्स हमारा इतने का है और टोटल कॉस्ट हमारा इतने का है। यहां पे हमें
सेल्स तो पता है हर एक साल का, और फिक्स कॉस्ट ईयर वन का हो चाहे ईयर टू का हो, अगर मुझे यहां पे क्या पता चल जाए सर, फिक्स कॉस्ट पता चल जाए, तो फिक्स कॉस्ट तो हर साल का क्या रहता है, फिक्स ही रहता है, चाहे मैं इस साल फिक्स कॉस्ट कहूं अगले साल कहूं वो तो फिक्स कॉस्ट है। अगर मुझे यहाँ फिक्स कॉस्ट पता चल जाए तो हम फटाफट क्या निकाल पाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। अगर हमें फिक्स कॉस्ट पता चल जाए तो क्या निकाल लेंगे, हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। और जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट हमें पता चलेगा, हम क्या निकाल पाएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन, और सेल्स दे ही रखा है, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पीवीआर रेशियो पे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। यानी सर हमें सेल्स दे रखा है, सेल्स कितने का है समझिएगा बात को, सेल्स कितने का है सर, सेल्स पहली बार का है 50,000 और फिर 60,000। यानी सर पहले एक 50,000 था, ईयर वन का सेल्स मान लो, ईयर टू का सेल्स मान लो, कितने का दे रखा है सर, 60,000 दे रखा है। इसके बाद इसका टोटल कॉस्ट दे रखा है, टीसी इसका भी और टीसी इसका भी। सर टीसी एक का कितना है सर, 40 और 45। टीसी इसका हमारा है 40 और इसका कितना है, 45। तो हमारा यहां पे देखेंगे सेल्स हमारा बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया हमारा, ईयर वन से ईयर टू में सेल्स हमारा 10,000 से, और यहां पे हमारा फिक्स कॉस्ट भी कितना बढ़ गया हमारा, 5,000 से, दोनों में। अब सर यहां पे मुद्दे की बात है कि अगर मैं सेल्स में से टोटल कॉस्ट, अगर सेल्स में से अगर मैं ये बात करूं, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, मैंने क्या समझाया, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, और एक बात यह भी ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, टीसी। इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा हमारा, टीसी बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या हम यहां प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्या हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे बताओ। सबसे पहले तो प्रॉफिट मुद्दे की बात है, तो सर बिल्कुल निकाला जा सकता है प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस में टीसी करके। तो प्रॉफिट क्या आएगा, पहले सिचुएशन में 50,000 माइनस में 40,000, दैट इज कितना हो गया हमारा, 10,000। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 10,000। दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे साल की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट दूसरे साल का सर, प्रॉफिट आएगा हमारा सेल्स माइनस में अगेन टीसी, और सेल्स क्या है हमारा, 60,000 और माइनस में 45,000, और ये बन के आ गया हमारा 15,000 रुपये। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला पीवीआर का जनरेट होगा जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। क्या होता है सर पीवीआर का फॉर्मूला, और वैसे भी समझ लेते हैं हमारे प्रॉफिट में कितना बदलाव आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ आपके लिए, कहाँ लिख रहे थे, यहाँ पे पीवीआर इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला, पीवीआर इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू में 100। ठीक है, तो यानी इस फॉर्मूले को अभी समझेंगे भी हम, इस फॉर्मूले को, तो चेंज इन इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू में 100। सर चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 15,000 पहले और इस यहाँ पे 10, तो कितना चेंज हुआ हमारा, 5,000। चेंज इन सेल्स कितना है सर हमारा, 5 और 60, कितने चेंज है, 10,000 इंटू में 100, तो कितने हो जाएंगे आपके, ये बताइए, 2, और ये आपका 2 से कटेगा तो कितना आ गया हमारा, तो ये 50% आ जाएगा। बाकी इस वाले फॉर्मूले को जो मैंने लिखा है ना, कहाँ गया हमारा, इस वाले फॉर्मूले पे डिटेल डिस्कशन पेंडिंग रहेगा, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले पे डिटेल डिस्कशन पेंडिंग रहेगा। कोई बच्चा भी पूछेगा तो अभी नहीं बता पाऊंगा, रीजन इसमें कुछ चीजें लिंक है, कौन कौन से फॉर्मूले पे डिटेल पेंडिंग है मैं उसके ऊपर बता देता हूँ आपको। सर अगर मैं डिटेल डिस्कशन की बात करूँ तो डिटेल डिस्कशन जो पेंडिंग है, एक इस वाले फॉर्मूले पे रहेगा सर, एक इस वाले फॉर्मूले पे रहेगा, और किस पे रहने वाला है, एक और फॉर्मूला था, कौन सा था हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट का, एक इस वाले पार्ट पे हमारा डिटेल डिस्कशन पेंडिंग रहेगा। तो हमने आज क्या किया, आज वाले क्लास के अंदर हमने एक तो सीख लिया सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन को कैसे निकाला जा सकता है,
उसके बाद हमने सीख लिया प्रॉफिट वॉल्यूम क्या होता है और प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है। पीवीआर मतलब होता है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और प्रॉफिट वॉल्यूम का मतलब होता है हम कितने प्रतिशत प्रॉफिट कमा रहे हैं फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड करके, कितना वॉल्यूम हमारा प्रॉफिट में निकल रहा है। तो ये चीजें हमने आज की क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी अब वेडनेसडे को होगी। वेडनेसडे को टू बी कंटिन्यू हम कौन सा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, अगर एक क्वेश्चन और मिल जाए तो मैं कर दूंगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट का आ जाएगा। अगली क्लास में ब्रेक इवन पॉइंट भी खत्म कर लेंगे और फिर हम इसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स भी कर लेंगे तो एक बार इसको जिनको नोट करना है, इमेज क्लिक करना है वो कर सकते हैं। ये रही फर्स्ट क्लास, इमेज क्लिक करना है, बाकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप सभी को, फिफ्टी टू 16% ठीक है। सेकंड पेज, ये है सेकंड पेज आपका, इसका इंडेक्स मैं प्रॉपर भेज दूंगा, यूनिट वाइज भेज दूंगा बना के। ठीक है, थर्ड पेज, ये सारे आपके कंटेंट में अपलोड हो जाएंगे। लास्ट वाली जो क्लास है ना उसे मैं हटा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, उसको मैं हटा दूंगा यहां से, तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। यस सचिन बताइए। हमेशा अमाउंट में देंगे या यूनिट्स में देंगे? नहीं, इवनिंग टाइमिंग की पूछ रहे हैं ना? नहीं नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में मिलता है या यूनिट्स में मिलता है? दोनों में बताना पड़ता है क्वेश्चन का आंसर। तो आगे अगली क्लास में हम दोनों में सीखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में भी और यूनिट में भी। आज हमने यूनिट का सीखा। हाँ, ठीक है सर। यस राजलक्ष्मी बताइए। बताइए राजलक्ष्मी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि चेंज इन प्रॉफिट 5,000 और चेंज इन सेल 10,000 कैसे आया, एक बार एक बता दो। चेंज इन प्रॉफिट 5,000, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 10,000 का था और यहाँ पे प्रॉफिट 15, तो दोनों के डिफरेंस कितना आया? 5। सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स 50 है और यहाँ पे सेल्स कितना है हमारा? 60। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 10,000। 10,000। ओके सर, थैंक यू। ओके एप्लीकेशन पे पुरानी वीडियो शो नहीं हो रही है, मैं एक बार एप्लीकेशन कल अरेंज कर दूंगा सारा, उसके हिसाब से फिर आप टू भी कंटिन्यू आगे करेंगे। इसका 10 ईयर अभी मार्केट में आया नहीं है, 10 ईयर जब आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट। और इसके आगे कंटिन्यू हम करेंगे, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैं सेंड कर दूंगा कल आपको।